हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पर, विच इज अ पार्ट ऑफ फन एकेडमी। सो हम आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बेहद प्यारी सुबह के साथ। तो आज आपको हम ओवरऑल मार्च मंथ की द पूरी की पूरी वोकैबुलरी पूरी पढ़ाने वाले हैं, पूरा का पूरा ज्ञान देने वाले हैं। तो हमारे साथ सब लोग एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हम ऑडिबल और विजिबल हैं आप लोगों को, यानी प्रॉपर ऑडिबल और प्रॉपर विजिबल है यानी, एक बार मुझे प्लीज जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कि एम आई ऑडिबल और एम आई विजिबल टू यू और नॉट। सबसे पहले मुझे ये बता दो। गुड मॉर्निंग सरजीत मीना, गुड मॉर्निंग रामाश्रय, गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग रमाकांत, गुड मॉर्निंग सिद्धांत, कृष्णा, हेमंत, सिमरनजीत, मिनी नायक, अभी, अंगद, एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल वाइफ। हेलो 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 एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस। सभी लोग एक बार सेशन में जुड़ जाएंगे मेरे साथ और सभी लोग बढ़िया तरीके से एक बार आ जाओगे, ठीक है, क्योंकि सेशन होने वाला है आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। और आज हम पूरे पढ़ेंगे पूरी की पूरी कंबाइंड वोकैबुलरी, कंबाइंड सेक्शन, एक एक चीजों का डीप एनालाइज करेंगे। और ये सब कोर्स आज भी आप लोगों के वन वर्ड्स के क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। तो वन वर्ड्स के क्वेश्चंस के लिए एकदम रेडी शेडी रहे हो जाओ और जल्दी से आ जाओ सेशन में। सबसे पहली बात आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं कि अन अकेडमी पर चल रहा है 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन पर एक बहुत धमाकेदार डिस्काउंट। आप सभी लोगों को पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है आप लोगों से, बट आप लोगों को एक बार रिमाइंड करा दे, याद दिला दे कि 2 साल के सब्सक्रिप्शन लेने पर अन अकेडमी की तरफ से आपको 4 मंथ्स का मिलेगा क्या एक्स्ट्रा पैकेज। तो भाई बिल्कुल देर मत करो, जाओ अन अकेडमी पर और अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है जाके सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए और सब्सक्रिप्शन को अपना करिए, ठीक है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अन अकेडमी पे गॉरिटन कोड का यूज कर सकते हैं। गॉरिटन कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ ही साथ आज आप लोगों का SSC का कॉम्बिट टेस्ट है अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे 12 बजे से। आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप पे जाइए, टेस्ट को अपने करिए, 12 बजे इस कॉम्बिट टेस्ट को ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा आप सभी लोग। और इस टेस्ट को जैसे ही आप ज्वाइन करोगे गाइज, ठीक है, इस टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को गॉरिटन कोड यूज करना पड़ेगा, आप टेस्ट को यूज कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस टेस्ट के थ्रू, और 1 करोड़ तक की प्राइज मनी को जीतने के हकदार भी होंगे आप सभी लोग। तो चलिए आइए बढ़ते आगे और देखते हैं कि आगे का आज का सेक्शन हमारा क्या कहता है। सो आज भी देखो थॉट ऑफ द डे आप लोगों के पास ऑफ कोर्स होने वाला है, ठीक है। आज हम डिस्कस क्या-क्या करेंगे वो भी बता देते हैं। आप लोगों को पता है कि संडे इट्स लाइक एडिटोरियल नहीं आता है ना, संडे को एडिटोरियल नहीं आता है। तो आज हम लोग डिस्कस क्या-क्या करने वाले हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आज हम थॉट ऑफ द डे डिस्कस करेंगे, फ्रेज ऑफ द डे भी डिस्कस करेंगे, वर्ड ऑफ द डे, वन विच सब्स्टिट्यूशंस, द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी एंड द हिंदू क्विज एंड टोन नहीं करेंगे, टोन नहीं करेंगे और एनालिसिस नहीं करेंगे, बस इतना नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। थॉट ऑफ द डे से शुरुआत करते हैं। समटाइम्स इट इजंट व्हाट यू डू बट व्हाट यू डू नॉट डू दैट मेक्स यू हु यू आर। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम नहीं करते हैं या हम करते हैं उससे पता चलता है कि दैट क्या है हम, है ना। लास्ट लाइन आप देखिए, बट वॉट यू डोंट डू, लेकिन जो तुम नहीं करते हो दैट मेक्स यू हु यू आर, वो बनाता है कि तुम क्या हो, ठीक है। तो भाई ये तो मतलब आज का दिन बन गया है ना गाइस, समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है। वेरी गुड मॉर्निंग सत्या जय, अभी गाइज सबसे पहले एक काम कर दो, सबसे पहले सेशन की लिंक को शेयर कर दो, ठीक है, सबसे पहले सेशन की लिंक को शेयर कर दो और साथ ही साथ सेशन को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सेशन को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो प्लीज इट इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी मुझे यहाँ पे देख रहा है, प्लीज जाइए और सेशन की लिंक को शेयर और लाइक कर दीजिएगा प्लीज, ठीक है। इसी के साथ साथ फ्रेज ऑफ द डे की थ्रू पढ़ते हैं और देखते हैं कि फ्रेज ऑफ द डे आज का आपका क्या कहता है। थ्रो इन द टॉवल, थ्रो इन द टॉवल का मतलब होता है एडमिट डिफीट, दैट मींस गिव अप करना, आप मान जाओ कि आपकी हार हो चुकी है, सरेंडर कर देना सामने वाले के सामने, ठीक है। कैप्टुलेट कर देना, गिव अवे कर देना, बैक डाउन कर देना, बैक डाउन आपका एक फ्रेजल वर्ब है, गिव अप आपकी एक फ्रेजल वर्ब है, बैक डाउन आपका एक फ्रेजल वर्ब है।
सामने वाले के सामने कहते हैं ना कि हमने सरेंडर कर दिया, हम हार मान गए, हमें पता है हमारी जीत नहीं होनी है, तो भैया चुपचाप हार मान जाओ, है ना, तो उसी को कहा जाता है। ठीक है, वर्ड ऑफ द डे आज आप लोगों का आया हुआ है अफ्लुएंस। अफ्लुएंस का मतलब होता है वेल्दी, प्रॉस्पेरिटी, दैट मीन्स दिस वर्ड इज टोटली पॉजिटिव वर्ड, है ना, फॉर्च्यून, रिचनेस, लक्जरी एंड प्लेंटी। प्लेंटी का भी मतलब होता है जो बहुत ही रिच और वेल्दी लोग होते हैं, उनको भी प्लेंटी पीपल कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज आपके क्विज की तरफ और देखते हैं कि वन विद सब्स्टिट्यूशन में आज का क्वेश्चन आपका क्या आया हुआ है। टू मच ऑफिशियल फॉर्मैलिटी, टू मच ऑफिशियल फॉर्मैलिटी क्या कहेंगे? आपका टाइम शुरू होता है अब। प्लीज कीप आंसरिंग विद इन टाइम एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन। फटाफट से बताइए, टाइम अप हो चुका है गाइस, टाइम अप हो चुका है, फटाफट स्पीड के साथ बताइए। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, टू मच ऑफिशियल फॉर्मैलिटी, टू मच ऑफिशियल फॉर्मैलिटी का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस रेड टेप्सिमम। अब सबसे बड़ी बात, बाकी के वर्ड्स का मतलब क्या होता है? देखो नेपोटिज्म, नेपोटिज्म आज के टाइम में हमें बहुत सुनने के लिए ये वर्ड मिला। क्यों? क्योंकि जब हमारे स्टार का, जो हमारे स्टार्स हैं, जितने भी हमारे जैसे जितने भी एक्टर्स हैं बड़े बड़े, उनके जब बच्चों ने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया तो एक टाइम पे नेपोटिज्म का नाम बहुत आया। तो आप सब लोग जानते हो कि नेपोटिज्म का मतलब टू मच ऑफिशियल फॉर्मैलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट? That means favor of relative or favor of friends, especially by giving them job. किसी भी इंसान को favor करना, खासतौर से किसी भी relative को, किसी भी friends को, और कैसे उसको favor करना, उसको job दे करके करना। Bureaucracy, ये word एक bureaucracy आप कह सकते हो कि क्रेसी वर्ड जो होता है वो पॉलिटिकल से रिलेटेड होता है, तो वी कांट से कि यहाँ पर राइट आंसर होगा। मिनट्स भी आपका राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, सो ये दोनों ही आंसर करेक्ट नहीं हुए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर विद इमेजिनेशन एंड विजडम, प्लीज लेट मी नो द राइट आंसर गाइज। बहुत बढ़िया श्वेता मैम, बहुत बढ़िया। चलिए, One who can think about the future with imagination and wisdom. क्या कहेंगे आप? Good morning, Sudhir. Very, very good morning. प्लीज कीप आंसरिंग गाइज, कीप आंसरिंग, कीप आंसरिंग। एंड देखो अगेन द टाइम इज अप एंड आइए जरा चेक करते हैं कि राइट आंसर आप लोगों का यहाँ पर क्या होने वाला है। सो वन हु थिंक अबाउट द फ्यूचर, जो इंसान फ्यूचर के बारे में, मतलब आगे के बारे में सोचता है अपनी इमेजिनेशन में, विद इमेजिनेशन, अपने ख्वाब में, अपने ख्यालों में, जैसे हम कहते हैं ना आगे कल यार हम ये करेंगे या क्या होगा, कल क्या होगा, तो ये क्या होगा, इमेजिनेशन हो गई ना, तो उस बेस पर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा विजनरी, ऑप्शन नंबर टू। सबसे बड़ी बात, ऑप्शन नंबर वन आपका राइट आंसर नहीं होगा। इसका मतलब होता है अ पर्सन हु ऑलवेज, अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स एल्कोहल। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन का आप लिख लीजिएगा, जिन लोगों को भी नहीं पता है, अ पर्सन हु never drink alcohol, जो इंसान कभी भी alcohol नहीं लेता है। ठीक है, उसके लिए आप कह सकते हो।
ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका राइट आंसर नहीं होगा. दैट मीन्स समवन बिलीव्स दैट इज इम्पोर्टेंट टू वर्क हार्ड एंड कंट्रोल योर सेल्फ. आप कह सकते हो समवन हु बिलीव्स दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज बहुत कोई भी चीज इंपॉर्टेंट है जिसको करना हार्ड है और जो कंट्रोल करना हार्ड है. आप ये कह सकते हो आई एम श्योर. अब मैंने इससे रिलेटेड आप लोगों को रूट वर्ड्स भी बताए थे, जैसे एमा, एमी और एमओ. ये वर्ड्स जब कभी भी आएंगे आपके पास याद रखिएगा, ये हमेशा खुशी, हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप, फ्रेंडली नेचर, फ्रेंडली एनवायरमेंट, इनको दिखाने का काम करते हैं. आई होप इट्स क्लियर गाइज. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वन्स थॉट व्हेन वन इज अलोन. प्लीज लेट मी नो द राइट आंसर. गुड मॉर्निंग समृद्ध, रोहित. गुड मॉर्निंग दीपू. चलो आंसर बताओ. द एक्ट ऑफ स्पीकिंग अबाउट वन्स थॉट्स व्हेन वन इज अलोन. Come on guys, keep answering. Time up हो चुका है. Exactly time up हो चुका है. आइए जरा चेक करते हैं कि इसका राइट आंसर होगा क्या. देखो द एक्ट ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला अबाउट वन्स थॉट, किसी के बारे में, when one is alone, जब कोई अकेला हो, that calls option number 2 is the right answer. साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है चुप्पी रखना. तो बोलने की कला तो यहाँ पर आएगी ही नहीं है ना. आप ये कह सकते हो एब्सेंस ऑफ साउंड. साइलेंस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ साउंड, एब्सेंस ऑफ साउंड. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ. ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपका राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा. इसका मतलब होता है अ लॉन्ग स्पीच. ठीक है, अ लॉन्ग स्पीच, बहुत लंबे समय तक कोई भी बात कही जाए, अ लॉन्ग स्पीच. ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ डायलॉग. डायलॉग का तो मतलब ही होता है कोई भी कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोगों के बीच में या दो से ज्यादा लोगों के बीच में होने वाली वार्तालाप को, बातों को आप क्या कहते हो, डायलॉग कहते हो, है ना. तो ऑप्शन नंबर डी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. समवन हैविंग मेनी स्किल्स, एक इंसान के अंदर बहुत सारी स्किल्स है, क्या कहोगे. चलो जल्दी से आंसर बताओ मुझे यहाँ पे. Someone's having many skills. बहुत बढ़िया दिव्यांश, बहुत बढ़िया. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आचल. चलो कीप शेयरिंग द सेशन गाइस, कीप शेयरिंग द सेशन, कीप शेयरिंग द सेशन एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द सेशन. ओके, आंसर आने लगे मैम. डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा. चलो आ जाओ. देखो द करेक्ट आंसर, यस यू ऑल आर राइट, द करेक्ट आंसर इज वर्सेटाइल. समवन हैविंग मेनी स्किल्स, किसी भी इंसान के अंदर बहुत सारी स्किल्स है, दैट पर्सन कॉल्ड वर्सेटाइल. देखो प्रोजेक्टाइल आप नहीं कह सकते, ऑप्शन नंबर वन इट्स नॉट गोइंग टू बी द राइट आंसर. दैट मीन्स अ मिसाइल डिजाइंड टू बी फायर्ड फ्रॉम अ गन. कोई भी मिसाइल जो डिजाइन करी जाए एक तरीके से फायर करने के लिए गन के द्वारा. ठीक है, तो आप है ऑप्शन नंबर टू भी आपका राइट आंसर नहीं होगा. दैट मीन्स अर्ली डिवाइस फॉर डुप्लीकेटिंग हैंडराइटिंग. ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड भी आपकी राइट आंसर नहीं होगी. अ पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ अ ग्रेट एडमायर, ग्रेट एडमायर इंग्लैंड और ब्रिटेन. कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा प्यार करता है विदेशी चीजों से, आप कह सकते हो. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वोकैबुलरी की तरफ. लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक सेशन की लिंक को शेयर नहीं किया है तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा. ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से. चलिए पहले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला वर्ड आपका क्या कहता है. प्रलेंस, दैट मीन्स बोलने की कला. आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो बहुत ही ढंग से बोलते हैं या फिर जो बहुत अच्छे शब्दों को यूज करते हैं बोलते समय. जैसे जो हिंदी के टीचर्स होते हैं, जो इंग्लिश के टीचर्स होते हैं,
उनको बोलने के लिए एक परफेक्ट वर्ड आता है, या जो एक्टर्स होते हैं है ना, जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो बहुत लंबे समय से बोल रहे हैं, उन्हें बोलने के लिए बहुत एग्जैक्ट पॉइंट्स पता है कि किस जगह पर कौन से वर्ड्स का यूज करना होता है, तो उसको कहा जाता है, ठीक है, अ पर्टिकुलर वे ऑफ स्पीकिंग और यूजिंग वर्ड्स, स्पेशली अ वे कॉमन टू दोज विद पर्टिकुलर जॉब और इंटरेस्ट। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है पूर्व अनुमान, मतलब अ फोरकास्ट, भविष्यवाणी करना, आगे होने वाली घटनाओं के बारे में जब आप पहले से बताना स्टार्ट कर देते हो, फोरकास्ट करना स्टार्ट कर देते हो, पूर्व अनुमान लगाना स्टार्ट कर देते हो, प्रिडिक्शन लगाना शुरू कर देते हो, आपको पता है अरे भाई ये तो होना ही है ना, कल तो ये होगा ही है ना, तो उसको आप कहते हो फोरकास्ट करना, प्रिडिक्शन करना और प्रोजेक्शन करना। आप देखो एंट्रेंस के लिए डैक मीन्स कुदरती तौर पे, नेचुरली जिसे हम कह सकते हैं, जो जरूरी है और जो नेचुरल है, जो प्राकृतिक है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। फ्रोशियस, फ्रोशियस मतलब क्रूर, आप लोगों ने सुना है वो जब हम लोग देखते थे, ये क्रूर शासक है, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रूर पर्सन है, वॉयलेंट इंसान है, जो दूसरों को दुख पहुंचाता है, जो दूसरों को हर्ट करने का काम करता है, क्लियर। हाँ, 8:15 AM, yes exactly, 8:15 AM पर ये डेली क्लास मेरी होती है। रेविजिंग मतलब विनाशकारी, कॉज सीवियर और एक्सटेंसिव डैमेज टू, कॉज सीवियर बहुत ज्यादा सीवियर सिचुएशन होना, एक्सटेंसिव डैमेज होना है ना, बहुत ज्यादा मतलब विनाशकारी स्थिति हो जाना, आप ये कह सकते हो कि मरने और मारने वाली स्थिति हो जाना, ठीक है। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो कभी नहीं किया, नेवर डन और नोन बिफोर, जिसको आप जानते भी नहीं हो, पहले से जिसको आप जानते भी नहीं हो और जिसको आपने कभी किया भी नहीं है, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड कहा जाता है उसे, क्लियर। स्क्रम्बल, स्क्रम्बल का मतलब होता है संघर्ष, अ डिफिकल्ट और हर्ट, क्लैम्बर अप और ओवर समथिंग, कोई भी चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा मुश्किल है पाना, स्क्रम्बल कहा जाता है, संघर्ष करना, मेहनत करना, हार्ड होना कोई चीज का, इज इट क्लियर। बहुत बढ़िया, यहां तक अगर वोकैबुलरीज आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज टाइप यस, अगर यहां तक की वोकैबुलरी आप लोगों को क्लियर है तो प्लीज टाइप यस। देखो काफी बच्चों को नहीं मालूम कि क्लासेस दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं, तो ये हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप लोग सेशन की लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और जिन्होंने भी अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक कर देंगे। शेयर सिर्फ आप लोगों को 5 लोगों को करना है, दैट्स इट। इस सेशन को 100+ लेके चलना है, हमारा और आपका ध्येय सिर्फ यही है 100+। तो मैं उम्मीद करती हूँ अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया होगा तो आप लोग अब तक शेयर कर चुके होंगे और लाइक भी कर चुके होंगे सेशन को। तो चलिए आइए बढ़ते हैं सेशन की तरफ आगे। देखो सबसे पहली बात, कोई भी चीज फिर से प्राप्त करना, मतलब फिर से देना, अ पर्सन हु इज रिकवरिंग, एक ऐसा इंसान जो रिकवर कर रहा है आफ्टर एन इलनेस, बीमारियों से और मेडिकल ट्रीटमेंट से, रिकवरिंग करना, गेटिंग बेटर, कोई भी चीज को बहुत ज्यादा बेहतर करना। प्रूडेंट, प्रूडेंट का मतलब होता है दुनियादारी, एक्टिंग विद और शोइंग केयर थॉट फॉर द फ्यूचर, जो लोग दिखावा करते हैं या जो लोग इस तरीके का दिखाते हैं दैट दे केयर, कि उन्हें केयर है, किसकी थॉट है, सोचते हैं वो फ्यूचर के बारे में है ना, जो शो करते हैं अपनी केयर किसी के प्रति या अपनी केयर है ना, प्रूडेंट कहा जाता है, ठीक है। चलो फॉरगेटिव, That means भगोड़ा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये शब्द अक्सर पॉलिटिक्स में बहुत यूज होता है, वो भगोड़ा है ना, या फिर ये वर्ड आपको सोसाइटी में भी सुनने के लिए बहुत मिलता है, कोई भी इंसान जो कैप्टिवेटिव होता है, जो पकड़ा जाता है किसी भी चीज में तो वो भाग जाता है, तो उसे भगोड़ा कहा जाता है ना। चल डिफ्रॉडेड, दैट मीन्स धोखा देने वाला, illegally obtain money from someone by deception, illegal तरीके से किसी से भी money को जब्त करना, जानबूझ करके उसको धोखा देना और उससे उस पैसे को ले लेना, ठीक है, cheat करना, rob, rob मतलब होता है डकैती, ठीक है। Okay, that's good, very good, very good, brilliant guys, brilliant, brilliant, brilliant.
बहुत बढ़िया, चलो इतने वर्ड समझ में आए। अब देखो, एक्सपीडिट दैट मीन्स शीघ्र, बहुत जल्दी। मेक एन एक्शन और प्रोसेस हैपन सूनर और टू बी अकम्प्लिश्ड मोर क्विकली। कोई भी चीज स्पीड अप करना, बहुत तेजी से करना, एक्सेलरेट करना, बहुत ज्यादा तेजी तेजी से करना, जल्दी जल्दी करना, हरी अप की सिचुएशन रखना, हार्डली की सिचुएशन रखना, बहुत जल्दी करना, किसी भी चीज को बहुत स्पीड के साथ में करना। अपहीवल, अपहीवल मतलब उथल पुथल कर देना। अवॉयडेंट और सडन चेंजेस और डिस्ट्रप्शंस टू समथिंग, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना। उथल पुथल का मतलब है किसी भी चीज को इधर उधर कर देना, किसी भी चीज को अलट पलट कर देना, किसी भी चीज को खोल देना, कुछ भी कर देना, ट्रबलेंस की सिचुएशन रखना, ट्रबल करवाना किसी भी इंसान को अपहीवल कहा जाता है। ओके, परमेश्वर लाल वेलकम टू द सेशन सर, एंड वेलकम टू द फैमिली, वेलकम टू द फैमिली। चलिए, प्रिक्योरमेंट दैट मीन्स किसी भी चीज की प्राप्ति होना, एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग और प्रिक्योरिंग समथिंग। कोई भी एक ऐसा एक्शन जो सामने वाले को दिखाता हो, दैट एक्शन ऑफ ऑब्टेनिंग, कोई चीज मिलना, प्रिक्योरमेंट। ठीक है, स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस, स्ट्रिक्ट होना और बहुत ज्यादा रिजिड होना, टिकी हुई होना, बहुत ज्यादा सख्त होना, जिसको आप चेंज ना कर पाओ, स्ट्रिंजेंट कहा जाता है। सपोज किसी भी स्कूल में, किसी भी सेक्शन पर, जैसे अभी क्या हुआ, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग कर रहे थे, तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी मीटिंग को, जो पर्सनल मीटिंग थी, उसको पब्लिक कर दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने काफी ज्यादा उस पर एक्शन लेने की बात कही, है ना। उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत गलत है, तो वो क्या हो गया, वो सिक्त हो गए, वो रिजिड हो गए अपनी बातों पर, क्योंकि उन्हें लगा कि वो रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है, Karen call, that's a new word guys, that's a new word, okay, please note this, that's a new word, that means mang karna, strongly expressed demand or request for action, okay, bahut zyada strongly expressed karna demand ko, request ko for action. Rest while, rest while ka matlab hota hai bhutpurv, former, old, past, pehle ka insaan. Dharmendra, good morning. ठीक है, बहुत पहले का इंसान, जो पहले से, फॉर्मर पीपल जिन्हें कहते हैं हम, रिस्ट वाइल कहा जाता है। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है भयानक। इंस्पायरिंग फियर और रिस्पेक्ट थ्रू बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, पावरफुल, इंटेंस और कैपेबल। इंस्पायरिंग फियर, बहुत ज्यादा फियर फील करना, रिस्पेक्ट फील करना, बीइंग इम्प्रेसिवली लार्ज, खासतौर से भयानक कह सकते, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग होना, फॉरबिडिंग होना। ठीक है, इश्यू दैट मींस परहेज करना, रोकना अपने आप को किसी भी चीज को करने के लिए, एब्सटेन फ्रॉम, दूर रहना, अवॉइड करना किसी भी चीज को यूज करने से पहले। रिफ्रेन का मतलब होता है टू स्टॉप, रिफ्रेन का मतलब होता है किसी भी चीज को रोकना। ठीक है, डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब होता है शांत, temporarily inactive or inoperative, कोई भी चीज जो inactive है, जो inoperative है, ठीक है, sleeping mode पे है, ठीक, give up, yes exactly, smart Avinash, you are late in the class, चलो time से आया करो सभी लोग, ये मेरी request है, और session की link को भी share किया करो, ठीक है, चलो। Propensity, propensity मतलब होता है inclination और natural tendency to behave a particular way. आपका एक इस तरीके से आप कह सकते हो कोई भी एक ऐसा behavior जहां पर आप एक particular behave करो, tendency करो अपनी, है ना। Liability होना, liability होना, disposition होना, ठीक है, चलो। Really, that means बहुत ही taunt में किसी से कुछ भी बोलना। A way that express dry, especially mocking or humor. खास तौर से व्यंग का मतलब होता है टॉन्ट में बोलना, किसी को अलग तरीके से बोलना। अच्छा, कल कहाँ थे तुम? तो लाइक दिस, ठीक है? Scum मतलब परास्त होना, resist pressure, temptation or something negative force, give way करना, हार जाना, फेल हो जाना।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अनुप, आकाश, रीमा, एवरीवन, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, उल्लंघन करना मतलब ओपनली डिसरिगार्ड अ रूल, लॉ और कन्वेंशन, है ना। रिफ्यूज टू, ओबे, गो अगेंस्ट, किसी के विपरीत जाना, किसी के खिलाफ जाना, ठीक है। ऑर्ग्यूमेंट, ऑर्ग्यूमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को बढ़ाना, मेक समथिंग ग्रेटर बाय एडिटिंग टू इट, इंक्रीज करना, किसी भी चीज में किसी भी पॉइंट को जोड़ते जाना, तो वो क्या होता है, हो जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। बढ़ाना, किसी भी चीज को इंक्रीज करना। रैम्पेंट मतलब अनियंत्रित, अनरिस्ट्रेंड इन एक्शन और परफॉर्मेंस, किसी भी चीज को रोक ना पाना, जिस पर कोई आपका रोक नहीं है, जिस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अनरिस्ट्रेंड इन एक्शन और परफॉर्मेंस। कन्फ्लुएंस दैट मीन्स अ सिचुएशन इन विच टू थिंग्स ज्वाइन और कम टुगेदर, कोई भी एक ऐसी समस्या जगह या कोई भी एक ऐसी स्थिति सिचुएशन जहां पर दो चीजें आकर के मिलती हो, ठीक है, जहां पर दो चीजें आकर के जुड़ती हो, ठीक है। इंसिडियस दैट मीन्स धोखेबाज, जो इंसान प्रोसीडिंग इन अ ग्रेजुअल सबटाइल वे बट विद वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स, जो बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स देता है, जो धोखेबाज होता है, जो धोखे से कोई भी चीज करता है ना, बिना बताए आपको कर दिया, आपको उसका आइडिया ही नहीं है, वो चीज आपके साथ हो गई, है ना, क्राफ्टी हुए। डिसमिसिव मतलब उत्साहहीन होना, फीलिंग और शोइंग दैट समथिंग इज अनवर्दी ऑफ कंसिडरेशन, कोई भी ऐसी फीलिंग जो शो करती है दैट समथिंग इज अनवर्दी, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, अनवर्दी ऑफ कंसिडरेशन, जो नेगेटिव है, जो अनएंथुजियास्टिक है ना, जो अच्छा नहीं है आपके लिए। कॉम्प्लेंसी मतलब अ फीलिंग ऑफ स्मार्क, अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन विथ वन सेल्फ और वन अचीवमेंट, कोई भी कैसी फीलिंग ऑफ स्मार्क, शालीनता होना, अनक्रिटिकल सेटिस्फेक्शन होना आपके अंदर में किसी के अचीवमेंट को देख करके, जिसे हम कहते हैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ अप्रूवल होना, शालीनता होना, आप में शांति से बनाए रखना उस चीज को। हार्बोरस मतलब अभिमान, सेल्फ प्राइड, एक्सेसिव एटीट्यूड, एरोगेंस, वी कैन से सेल्फ कॉन्फिडेंस, है ना। बोलो यहां तक वोकैबुलरी अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप यस, अगर यहां तक की वोकैबुलरी आप लोगों को क्लियर है तो एक बार टाइप कर देना यस, और डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस सेशन गाइस, सेशन शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है। और अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसने लाइक नहीं किया है सेशन को, तो वो प्लीज लाइक कर देगा, एंड सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों को आप लोगों को सेशन शेयर करना है, दैट्स इट, सिर्फ 5 को, उससे ज्यादा नहीं बोलेंगे, सिर्फ 5 को, डेली आओ, सेशन शेयर करो, अपने सभी दोस्तों को बताओ कि क्लास जो है वो शुरू हो चुका है, ठीक है। नेदर दैट मीन्स द लोएस्ट और मोस्ट अनसक्सेसफुल पॉइंट इन अ सिचुएशन, कोई भी सबसे अनसक्सेसफुल, जिससे सक्सेस नहीं मिलती, जो अच्छा नहीं है, ऐसा पॉइंट इन सिचुएशन होना, ठीक है, जिसमें हार का होना, पतन मतलब होता है हार होना। That means a slow flight of stairs or angels rising, falling sharply, almost. कोई भी चीज का बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गिरना, किसी भी चीज का बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गिरना, जैसे शेयर मार्केट के प्राइस गिर जाते हैं। रिपल्स मतलब लहराना, अ पर्टिकुलर फीलिंग और इफेक्ट दैट स्प्रेड्स थ्रू समवंस और समथिंग, लहराना, कोई भी चीज पार्टिकुलरली रखना, रिपल्स, है ना। मिटिगेटिंग, मिटिगेटिंग मतलब कमी, हैविंग द इफेक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग बैड लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल, किसी भी चीज को, किसी भी चीज के इफेक्ट को कम करना, उसकी जैसे हम कहते हैं ना कि इस चीज को कम मत करो, इसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो उसके किसी भी नेगेटिव चीज से होने वाले इफेक्ट को कम करना, है ना, उसके सीरियसनेस को कम करना, उसके पेन को कम करना, रिड्यूस करना,
डिमिनिश का भी मतलब होता है कम करना, डिमिनिश का भी मतलब होता है लगातार किसी भी चीज को कम करते जाना। स्प्लेंडर्ड मतलब टुकड़े टुकड़े, ब्रेक और कॉज टू ब्रेक इंटू स्मॉल शार्प फ्रेगमेंट्स, ठीक है, टुकड़े टुकड़े कर देना, छोटे छोटे हिस्से कर देना। शैटर, शैटर का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े करना या फिर किसी भी चीज को बिखेर देना। ओमनियस मतलब अशुभ, जो अच्छा नहीं है। गिविंग द वॉरिंग इम्प्रेशन दैट समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, सामने वाले को एक संकेत देना कि कोई एक ऐसी चीज है जो अशुभ होने वाली है। कई बार ऐसा होता है जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, बहुत से लोग भरोसा करते हैं इन सब बातों पे, बिल्ली रास्ता काट गई मतलब कि ये चीज बुरी हो गई या ये बुरा होने वाला है ना। कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, दैट मीन्स कुछ बैड होने वाला है। तो ऐसे कुछ इंप्रेशन मिलना, ऐसी हिंट मिलना कि आपको ये पता चले कि समथिंग कुछ बैड होने वाला है, ठीक है। प्रॉबिंग जांच, इंक्वायरी क्लोजली इनटू समथिंग, सर्च करने की सिचुएशन रखना, ठीक है। चलो आप लोगों ने इन वर्ड्स को देखा, यस और नो, टेल मी गाइस, यस और नो। अभी इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, है ना, अभी हम इन सभी वर्ड्स को यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इन सभी वर्ड्स को हम जज भी कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत अच्छे से सारे वर्ड्स समझ में भी आएंगे, इनके नोट्स बना लीजिएगा और इनकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। स्लूथ दैट मीन्स जासूस, जो इधर उधर जासूसी करता है लोगों के पीछे। अ पर्सन हु इन्वेस्टिगेट्स क्राइम्स, डिटेक्टिव होना, ये ना पहले बड़ी मूवियों में भी आते थे, उनके सीरियल भी बनते थे, आप लोगों ने आई होप पढ़े होंगे, ठीक है। स्कर्ज मतलब कष्ट देने वाला, अ पर्सन और थिंग दैट कॉसेस ग्रेट ट्रबल और सफरिंग, कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी चीज जिसके थ्रू आपको बहुत ज्यादा ग्रेट ट्रबल मिले, परेशानियां मिले, सफरिंग मिले, आप परेशान हो जाओ आप, है ना। चेतावनी वार्निंग, वी कैन से वार्निंग, है ना, वी कैन से वार्निंग। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं द हिंदू क्विज की तरफ और देखते हैं कि इस क्विज का आंसर आप लोग कैसे देते हो। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अनुसार, द सेंटर हैज अलोकेटेड हाउ मेनी मैट्रिक टोन्स डे ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस 20 स्टेट्स। ये अभी फिलहाल का ही क्वेश्चन है, ऑक्सीजन से रिलेटेड है। अब आप लोगों को मुझे इसका आंसर बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का क्या बनेगा। सो प्लीज लेट मी नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, द सेंटर हैज अलोकेटेड हाउ मेनी मैट्रिक टोन्स डे ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस 20 स्टेट्स। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, 6822 MTD, है ना, मैट्रिक टोन्स। चलिए गाइस, दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, इस होमवर्क को आप लोग करके लाओगे बिना भूले, ठीक है। अब हमारी और आपकी मुलाकात कब होगी, ठीक 10 AM पर होगी, एक घंटे बाद। कहाँ पर होगी, इसी चैनल स्टूडियो पर होगी, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आएंगे प्रीवियस ईयर के कुछ धमाकेदार क्वेश्चंस। अच्छा, दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आप एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार, एवरी वेडनेसडे गाइस, एवरी वेडनेसडे 30+ बैचेस पा सकते हैं, 4000 से भी ज्यादा का रिकॉर्डेड, 40,000 आवर से भी ज्यादा का रिकॉर्डेड कंटेंट पा सकते हैं, 300 से भी ज्यादा क्लासेस को एक दिन में एक्सेस कर सकते हैं, 20,000 से भी ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको हर एक सब्जेक्ट पर मिलते हैं। और अनअकैडमी पर इस समय चल रहा है बिग धमाका। वो बिग धमाका क्या है, वो हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, तो उस पर आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा अनअकैडमी की तरफ से दिए जाएंगे, और अगर आप 2 ईयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पर, तो उस पर आपको 4 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ये डील आपकी केवल 28 अप्रैल तक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जल्दी से जाइए और हमें फॉलो करना मत भूलना अनअकैडमी पर। गौरी भट्ट टाइप करिएगा, इट्स GAURIBHATT। जैसे आप करोगे आपको प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, आप फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के साथ ही साथ आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाकर के अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए, फॉर एनी सब्सक्रिप्शन, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, गौरी टेन कोड को आप यूज करिए और गौरी टेन कोड के थ्रू आप लोग अपने सब्सक्रिप्शन को कन्फर्म करिए। गाइस, जाने से पहले आप लोगों को मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि इस समय हमारे देश में पेंडेमिक की स्थिति बहुत ज्यादा हार्ड चल रही है।
कोविड पिछले बार से भी ज्यादा हाई पर है, पीक पर है। बहुत से लोगों की जाने गई, मेरे नॉलेज में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जाने गई हैं। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज अपना ख्याल रखिए, प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखिए, मास्क पहन के जाइए जब तक बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। कोई भी रिलेटिव किसी की भी वेडिंग पर जाने से अवॉइड करिए, लोगों से मिलना अवॉइड करिए अगर हो सकता है तो। इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आप लोगों से एक घंटे बाद 10 बजे की क्लास में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस सेशन गाइस, हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।